श्री गणेशाय नमः। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। सभी जीवन में सुखी रहें, स्वास्थ्य रहें, उन्नति करें, किसी को भी दुख तकलीफ कष्ट न हो, इसी भावना के साथ आज का हमारा विषय है मेष राशि में शनि उच्च का प्रभाव कैसे दे सकता है। बहुत सी कुंडलियों में देखा गया है कि शनि मेष राशि में होने पर भी राजयोग की तरह जातक को संपन्न बनाता है, धनवान बनाता है और उसकी सभी मनोकामनाएं जो हैं वो पूर्ण होती हैं। आज इसी विषय के ऊपर हम चर्चा करेंगे। यदि आपकी कुंडली में भी शनि मेष राशि में है तो आपको भी बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। यह शनि आपको उच्च के शनि के समान भी प्रभाव दे सकता है, आपके जीवन में भी राजयोग बना सकता है। ऐसा कब होगा? मेष राशि का शनि उच्च का प्रभाव कैसे देता है, कब देता है, इसी विषय के ऊपर आज हम चर्चा करेंगे। मेष राशि वालों को बिल्कुल भी, मेष राशि में जिनके शनि हैं ऐसे जातकों को बिल्कुल भी घबराना नहीं चाहिए। मेष राशि में शनि अपने शत्रु की राशि में होता है, मंगल की राशि में शनि जो है यहाँ पे बहुत मंदा और बहुत अशुभ माना गया है, किंतु यहाँ पे शनि यदि बकरी अवस्था में हो तो यह उच्च के शनि के समान जातक को फल देता है। यदि आपकी कुंडली में शनि मेष राशि में बैठा हुआ है तो वह बहुत मंदा फल देगा, किंतु यदि मेष राशि में बैठा हुआ शनि बकरी है, विपरीत गति से चल रहा है, तो इसका मतलब है कि शनि आपका बहुत शुभ है। यह शनि आपको उच्च राशि के शनि के समान आपको फल देगा, जीवन में आपको धन वैभव से संपन्न बनाएगा और कुंडली में राजयोग का निर्माण करेगा और शनि के बहुत शुभ फल आपको प्राप्त होंगे। तो मेरा भाव ये है कि जब शनि मेष राशि में बकरी हो तो उच्च का फल देता है और यदि तुला राशि में बकरी हो तो वह मेष राशि के समान बुरा फल दे भी सकता है। यदि अपनी उच्च राशि में शनि बकरी है तो मंदा फल देगा और यदि अपनी मेष राशि जो नीच राशि है उसमें यदि शनि बकरी होकर बैठा है तो उच्च के शनि के समान आपको फल देगा। तो आज के वीडियो में हमने शनि के ऊपर चर्चा की कि मेष राशि में शनि किस तरह जातक के जीवन में राजयोग बना सकता है और तुला राशि में शनि बकरी होकर किस प्रकार मंदा प्रभाव दे सकता है। यदि आपकी जन्मपत्री में शनि मेष राशि में बैठकर बकरी अवस्था में बैठा हुआ है तो अपने अनुभव कमेंट में जरूर लिखें और ज्योतिष की जानकारी के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन जरूर ऑन रखें। तो मेरा प्रयास रहेगा ज्योतिष के ऊपर सभी तरह की जानकारी आपको दे सकूं। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम।